बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ये देखें, हमने जो ये यहाँ पालक और ये बाकी जो वेजिटेबल्स लगाई थी कैसे ग्रो हो गया माशाल्लाह। पालक लगाई थी यहाँ पे, शलजम, मूली और धनिया और ये हमारा लहसुन, ये माशाल्लाह सब बहुत अच्छे से ग्रो किया है इन्होंने। तो ये हमने अपने घर के फ्रंट साइड पर थोड़े से गार्डन में लगाई हुई हैं सब सब्ज़ियाँ। और ये देखें हमारा डेरा, और ये सभी सारी बैंस हैं जो इंजॉय कर रही हैं धूप में। मैं कहनी हाँ सही जड़ी है ना, धूप इंजॉय जड़ी है ना वो है मज्जा कर दिया ने। वो कहते हैं ना, मैं चन सितारे की करने मैनू इश्क हो गया मज्जिया ना। ये देखें ऐसे ही इंजॉय करते पे बंदर ते बंदरी जिंदगी नू, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कपड़िया की, कोई जुतियाँ की, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। इन्होंने इंजॉय करते पे ने सारे, ऐसे ही धुप सेकते पे ने सारिया जड़िया मझा ने, ये इन सबको बैंस हैं, ये जो सारी बैंस हैं ना ये सारी इंजॉय कर रही हैं यहाँ पे। तो ये देखें जरा धूप, सर्दियों में ये सारी धूप को ना विटामिन डी ले रही हैं, इनका बहुत ज़रूरी है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है इनकी इन्हों वास्ते विटामिन डी बड़ा जरूरी है। इस वास्ते है धुप्प जड़ा ना विटामिन डी ना है। ए बेचारी परेशान खलोती है, कहती है मैं की करा, सारी अपनी पुशल नो हिला दी, धूम को हिला रही हैं तो मैं क्यों नहीं हिला दी पी, ऐरा सुरदा हुई है। तो ऐ जड़ी है ना इन खुरक पई है, तो ऐ वेखो जरा ए ट्रैक्टर ना लग के ना अपनी खुरक मुका पी है, तो एकदम मैं पिछे जड़ा ना खलोत्या कट्टा इस नल इन्हें अपना सिर मारिया है, ये सिर च जूँ पईया ने, तो इन्हें ट्रैक्टर तो हारिश कार करके अपन जूँ मुकानिया ने। ऐ वेखो जरा कंज इन हारिश पई है तो लगी है भगवता जूँ अपन रगड़न ट्रैक्टर न हैड सो फनी। और आप सुनाए कैसे हैं आप सब लोग? ये सारी बैंसें हैं हमारी, और ये सारा इनका चारा है, इसको पराली बोलते हैं, और ये सारा ग्रीनरी इज सो ब्यूटिफुल। और ये हमारे मंकी, और ये बंदर है, और ये बंदरिया है ये भी इंजॉय कर रहे हैं धूप में। तो इनको ना, इनको भी सर्दी लगी है, इनके लिए बॉक्स रखा हुआ है, ये ना रात को इसके अंदर, इनको ये इनका घर है, इसके अंदर रहते हैं, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं धूप में। एंड पर हम सोचते पे ने दो भी हूँ मज इन कं चेड़िए नाल को लंघती भी है ना, ए सोचते ना साड़ी कोई प्राइवेसी नहीं है, ए नाल को मज्जा वेखदिया ने असं की करिए। चलें जी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैं बनाने लगी हूँ मकरोनी और शियन जो होते हैं ना वो, सॉरी एग फ्राइड राइस जो होते हैं वो। इधर मैंने मसाला रेडी कर लिया है जल्दी जल्दी से, प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, काली मिर्च, हल्दी सब डाल के ना, तो ये मसाला रेडी कर लिया मैंने। ये मैं बना रही हूँ, ये चिकन भी है ना, ये भी हमने इसमें डाल लेना है और चिकन को अच्छे से पका लेना है। तो ये इसको चिकन को अच्छी तरह भून के और ये आलू और ये मटर इनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही थी इसलिए मैंने ना इसमें इसको फॉरवर्ड कर लिया। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सिरका डाल के ना, ये देखें इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस और साथ थोड़ी सी मैक्रोनी। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मा मैक्रोनी बनाए, मैंने कहा चलो बेटा बनाती हैं, और साथ थोड़े से मैंने फ्राइड राइस बनाए थे। ये सोया सॉस मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और डाल लिया इससे, ज़रा मैंने कहा थोड़ा स्पाइसी सा टेस्ट आए चिली सॉस और सोया सॉस से। तो इसको अच्छे से भून लेना हमने। चावलों को भी मैंने एक साइड पे बॉईल कर लिया हुआ पहले ही, तो अब इन इस चिकन को अच्छे से हमने पका लेना है। जैसे ये पक जाएगा तो फिर नेक्स्ट हमने इसमें कुछ और डालना है। तो और आप लोग सुनाएं, सर्दी इन्जॉय कर रहे हैं फिर? तो थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना इन्जॉय करने के लिए। और ये जो चिकन पाउडर है ना हमने, ये भी इसमें थोड़ा सा डालना है, इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये देखें चिकन पाउडर है, ये भी थोड़ा सा हमने इसमें डाल लेना है, थोड़ा सा ना इसे जम गया, निकल नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो डाल लेते हैं ये भी थोड़ा सा, इसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब नेक्स्ट ये इसमें चिकन टिक्का भी डालना है, इससे मैं कहती हूँ बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। साथ ही हमने एक अंडा डाल के उसको अच्छे से साथ ही ऐसे पका लेना है, क्योंकि एग फ्राइड राइस बना रही हैं। साथ मैंने गाजर और जो शिमला मिर्च है ना वो भी कट कर ली हुई थी, और बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं बंद गोभी और शिमला मिर्च वो भी काट के, तो इन सब को भी अच्छे से भून लेना, भूनते जाना भूनते जाना। बहुत ही यमी से ये चावल बनते हैं,
सर्दियों में बहुत चाइनीज़ चावल इस तरह की चीज़ें। एक साइड पे देखे मैंने मकरोनी बॉईल कर ली है, तो मैंने कहा चलें मकरोनी भी बनाते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें मकरोनी में भी जाती हैं, यही सारी चीज़ें उसमें भी जाती हैं। अगर आपने आपको एग नहीं पसंद आप ना डालें। फिर मैंने इनकी तहें लगा ली थी इसी कढ़ाई में ही, चावल को मैंने फुल बॉयल कर लिया हुआ था और साथ ही हमने ज़रदा रंग डाल लेना है। तो ज़रदा रंग डाल के इनको दम पे देख के ये देखें कितना खूबसूरत से, और साथ ही दूसरी साइड में मैंने मकरोनियों थोड़ा सा मसाला बचा लिया था मकरोनियाँ, ये देखें यम्मी सी हमारी मकरोनियाँ, ऊपर केचप और मेयोनीज़ लगा के खाएं। मैं कहनी हूँ मज़े ही मज़े थोड़े हो जाएंगे, संडे ब्रंच होएगा। चलें ये देखें कितना खूबसूरत, मैंने थोड़ा सा ना धनिया स्प्रिंकल कर दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।